शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। पिछले महीने भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। चालू वित्त वर्ष में सामान्य से कम उपज और फसल के अपर्याप्त स्टॉक के चलते यह फैसला लिया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण मुद्रास्फीति के दबाव ने भी सरकार को प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया है। रूस और यूक्रेन दुनिया में फसल के सबसे बड़े सप्लायर हैं। फरवरी में युद्ध छिड़ने के बाद से सप्लाई पर गहरा असर पड़ा है। गेहूं के बाद अब कुछ लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि इस तरह का बैन चावल पर भी लगाया जा सकता है। क्या भारत सरकार भी चावल का निर्यात रोक देगी? तो इस पर फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने सफाई दी है। सुधांशु पांडे ने कहा है कि हमारे पास चावल का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए ऐसा कोई प्लान नहीं है। बता दें कि भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। कई देश पूरी तरह से भारतीय चावल पर निर्भर हैं। अगर भविष्य में किन्हीं कारणों से बैन लगाया जाता है तो इन देशों पर काफी दबाव पड़ेगा, क्योंकि युद्ध के कारण यह देश पहले ही बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मानसून का अनुमान जताया है। इसका मतलब यह है कि चावल की पैदावार भी सामान्य रहेगी, यानी बाजार में भारत का दबदबा बरकरार रहेगा। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।